लोकसभा में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने मामले को सरकार को घेरने की कोशिश की, वहीं सरकार ने साफ कर दिया कि उस मुद्दे पर सरकार का सीधे तौर पर कोई लेना देना नहीं है। तो प्रमोशन में आरक्षण, क्या प्रमोशन में आरक्षण होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर जो टिप्पणी की है उसे लेकर विपक्ष और सरकार आमने सामने। सर हमारी जमाने में सर शेड्यूल कास्ट सब प्लान, शेड्यूल टाइप सब प्लान और राजीव गांधी जी, हमारा स्वर्गीय राजीव गांधी जी, ये शेड्यूल कास्ट के ऊपर जो एट्रोसिटी, ये प्रिवेंशन के लिए एक्ट भी लाए थे। सर आज क्या हो गया है इस सरकार को, ये सर हमारे ये अधिकार को शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप जो 15% और 7.5% जो अधिकार हैं, ये अधिकार को छीनने के लिए सरकार क्यों कोशिश कर रहे हैं? और आज बहस चाहते हैं इस संबंध में अध्यक्ष महोदय के अनुमति से सदन में बहस भी हो सकती है, लेकिन क्या बात है, क्षमा कीजिएगा 2012 में उत्तराखंड में आपकी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। इसलिए मेरा ये कहना है अध्यक्ष महोदय, इतने संवेदनशील मुद्दे को जिस तरीके से कांग्रेस के लोगों के द्वारा मैं आरोप लगाना चाहता हूं, पॉलिटिसाइज किया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर मामला है अध्यक्ष महोदय। और सभी को प्रतीक्षा करनी चाहिए, सामाजिक न्याय मंत्री स्टेटमेंट देने वाले हैं, उसके बाद जो बहस करना हो आप बहस कीजिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं अपनी पार्टी अपना दल की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उस ताजा फैसले के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज करती हूं, अपनी असहमति दर्ज करती हूं, जिसके माध्यम से उन्होंने कहा है कि राज्यों को सरकारी नियुक्तियों में आरक्षण की व्यवस्था लागू करने का कोई बाध्य नहीं है और प्रमोशन में आरक्षण का दावा करने का उनको अधिकार नहीं है। अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहती हूँ कि SC ST OBC के संविधान प्रदत्त आरक्षण के खिलाफ दिया गया ये कोर्ट का आज तक का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला है और वंचित वर्गों के अधिकारों पर इससे भयानक कुठाराघात और कोई भी नहीं हो सकता है। धन्यवाद सर, आपने ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपनी बातों को रखने का मौका दिया। सर, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बीच हुए पूना पैक्ट का ही परिणाम है कि अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग से आने वाले लोगों के लिए आरक्षण एक संवैधानिक अधिकार है। सर, आरक्षण किसी को मिली हुई खैरात या दया नहीं है, सर ये एक संवैधानिक अधिकार है। जिस तरीके से और आज ये चर्चा सदन में करने का कारण इसीलिए बना कि जिस तरीके से 7 फरवरी 2020 को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ये फाइंडिंग दी गई और उसमें ये कहा गया कि आरक्षण सरकारी नौकरियों में हो या प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात हो, ये मौलिक अधिकार नहीं है। सर, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी तरीके से माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश को खारिज करती है, उसके साथ हम लोग सहमत नहीं है।